गुड इवनिंग क्लास, और मैं हूं राहुल मिश्रा। आपका स्वागत करता हूं सीजल एप्टीट्यूड पाठशाला में। ये आपका चैनल है जिसको आपने बड़ा प्यार दिया है, मुझे भी बड़ा प्यार दिया। 2 दिन की क्लास में ही मुझे काफ़ी सारे व्यूज मिले, काफ़ी सारे लाइक मिले, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग, और सबसे पहला जो चैप्टर मैंने शुरू किया है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स के कुछ पार्ट हम लोगों ने देख लिए थे, लगभग ट्रायंगल हम बेसिक में खत्म कर चुका हूँ। आज हम लोग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स काउंट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए, उनको गौर से सुन लीजिए। जैसे यहां पर हर टीचर अपनी क्लास के बारे में बताता है, तो मेरी क्लास आती है रीजनिंग की शाम को डेली 7 बजे। तो आपको 7 बजे यहां पे प्रेजेंट रहना है, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसको व्यू करेंगे उतना ही ज्यादा मैं मोटिवेट हूंगा आपको पढ़ाने के लिए। देखिए, एक्चुअल में मैं जो कमेंट पढ़ रहा हूं तो वहां पर मुझे कई सारे लोग कहते हैं सर आप लाइक के भूखे हैं, आप बार बार लाइक लाइक चिल्लाते रहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जुड़ाव महसूस होने का तरीका है, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि मैं वाकई में कितने लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूं। बहुत सारे मैसेज हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पढ़ता हूं मैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, पीडीएफ, गुड इवनिंग सर, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जयराम जी की। एंड गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप सभी, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूं। और आज थोड़ा सा जरा एक इंफॉर्मेशन मुझे और दीजिए कि जहां जहां से जिन जिन शहरों से आप मुझे देख रहे हैं, अपने अपने शहर का नाम थोड़ा सा यहां लिख के भेजेंगे मुझे, तो थोड़ा सा मुझे अंदाजा होगा मैं कहां कहां तक पहुंच पा रहा हूं, कहां कहां तक मेरी आवाज जा पा रही है, और कितने लोगों को मैं फायदा पहुंचा पा रहा हूं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए। फिलहाल रीजनिंग की क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और रोज 7 बजे आती है। लेकिन ये जो हमारा एसएससी सीजीएल का क्रैश कोर्स चल रहा है, ये पूरा 90 डेज चलने वाला है, और 90 डेज में हर एक चीज कवर की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल साइंस की क्लास है जो 6 बजे आती है, उसके बाद रीजनिंग की क्लास यानी कि मैं लेने आता हूं, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। कल कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम राहुल मिश्रा है। और रीजनिंग की क्लास 7 बजे आती है, मैथ की क्लास जो कि गगन सर ले रहे हैं आपके, वो 8 बजे आएगी, और उसके बाद इंग्लिश जो कि उज्जवल सर ले रहे हैं वो 10 बजे आती है। तो इस तरह से हम लोग पूरा सीजीएल कवर करने वाले हैं। एसएससी जीडी का भी कुछ बैच चल रहे हैं, हिंदी की क्लास 12 बजे मिलेगी आपको, जनरल साइंस 1 बजे, और मैथ्स 2 बजे, और रीजनिंग 3 बजे। यहां पर मॉर्निंग क्लासेस है कुछ, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। करंट अफेयर्स 7 बजे मिलेगा, सुबह सुबह 7 बजे उठिए और सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर रोज का रोज देखते चले जाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेपर के 1 महीने पहले से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो ये थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो प्लीज आप इसको 7 बजे रोज देखिए। वोकैब का शो आता है आपका 8 बजे, जहां से आपको वोकैब मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपका वर्ड पावर कम है तो आपको इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन अगर आपका वर्ड पावर ठीक है तो ये वर्ड पावर ठीक करने की कोशिश है हमारी तरफ से। और वो आपको 8 बजे आ रहा है। हिंदू एनालिसिस 9 AM पर आती है, और स्टेनो स्पेशल के लिए एक बैच, एक क्लास आती है, वो है 11 बजे। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। भोपाल, जालौन, जमशेदपुर, ओ माय गॉड, हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड, एमपी रीवा से सर, अरे हेलो सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मुगल सर आए, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि मैं काफी दूर तक जा पा रहा हूँ, काफी लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बना रहूं और ये चैनल आपकी इसी तरह से मदद करता रहे, तो प्लीज जितना प्यार आप हमें दे रहे हैं उतना और बढ़ाते चले जाएं, इस प्यार को और बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि हमें बहुत भूख है, हम बहुत प्यार के भूखे हैं। लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, ये चैनल आपकी ही देन है, और सिर्फ आपकी देन है, ये चैनल आपका है, हम आपके हैं, और हम अगर आप नहीं तो शायद हम नहीं होते। तो प्लीज अब कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे लगता है काफी सारे लोग ऑनलाइन आ गए हैं, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं सीधे क्लास की ओर जाता हूं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल का बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आज बारी है स्क्वायर काउंट करने की। तो हम लोग शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, लेकिन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, वेट करूंगा थोड़ा सा, हल्का सा वेट करूंगा कि आप क्वेश्चन का आंसर टाइप कर पाए, और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर की बात में एक खास, मतलब स्क्वायर में एक खास बात है, क्या बात है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि फोर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, कि ये सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हर एक वर्ग आयत होता है, यानी कि हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। तो जब आप स्क्वायर काउंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर काउंट करेंगे, आप रेक्टेंगल काउंट नहीं करेंगे, जबकि इसका उल्टा, जब हम लोग रेक्टेंगल काउंट करेंगे ना तो वहां पर स्क्वायर काउंट करेंगे भी, मतलब वहां पर स्क्वायर भी काउंट करेंगे, रेक्टेंगल भी काउंट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक हमसे कह देता है कि नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करना है, आपको स्क्वायर काउंट नहीं करना, तो उसको भी करेंगे। तो थोड़ा सा इसको बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और फिर इसके बाद आगे लेके चलेंगे। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, जरा बताइए, एक छोटा सा फिगर मैं बना रहा हूं, यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, फिर ट्रिक की बात करेंगे। बहुत छोटा सा फिगर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है मैंने। यहां पर जरूर बताइए कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर आर देयर। तो देखिए, अगर जब भी आपको कभी स्क्वायर काउंट करने की कोशिश करनी है तो यहां पर देखें तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक स्क्वायर ये छोटा वाला है,
फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर ये चौथा और एक बड़ा वाला, यानी यहां ओवरऑल कितने स्क्वायर है? 5। ठीक, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा कि 4 मेरे पास छोटे हैं और एक बड़ा वाला है। ठीक है ना, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, यहां पर इसको बड़ा यहां पर बनाता हूं मैं इसको। ये देखिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा। यहां पर पता करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। थोड़ा सा बस कॉम्प्लेक्स किया है, हल्का सा बढ़ाया है यहां पर, थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दिया है मैंने। यहां पर आपको बताने, हाँ वेरी गुड, 5 आ रहा है आंसर, लेकिन मैंने उसके आंसर के लिए वेट ही नहीं किया। यहां पर भी मैं ज्यादा वेट नहीं करने वाला हूं। तो देखिए कितने छोटे ट्रायंगल है, कितने छोटे स्क्वायर है, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्क्वायर मेरे पास स्मॉल है। लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, इस तरह के स्क्वायर जिनके बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक क्रॉस बना हुआ है, तो वो कितने हैं वो पता करते हैं। तो वो है एक नंबर, एक स्क्वायर आपका ये है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। एक स्क्वायर आपका ये है, ये भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक स्क्वायर आपका ये है और एक स्क्वायर आपका ये है। तो इस तरह से मेरे पास 4 आ गया कॉम्बिनेशन वाले स्क्वायर। 9 मेरे पास ऑलरेडी स्मॉल थे और 4 ये हैं और एक ये आ गया, ये हो गया 9, 4, 13 और 1, 14। तो यहां पर मेरे पास 14 स्क्वायर है। अब यहां से हम लोग ट्रिक डेवलप कर सकते हैं। एक्चुअल में देखा कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अब देखिए, रो नंबर 1, रो नंबर 2। रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको कॉलम कहते हैं। तो ये 2 रो है मेरे पास और 2 ही कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स कितने की होगी? 2x2 की। ये मैट्रिक्स देखिए कितने की है, ये मैट्रिक्स है 3x3 की। हमेशा रो पहले लिखी जाती है और कॉलम बाद में लिखा जाता है। आवाज क्लियर है आप सभी के लिए? तो हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आ रहा होता है, तो उनके लिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो यहां पर 3x3 है। तो यहां पर ओवरऑल स्क्वायर हमारे पास आ गए हैं 4, 1, 5 और इसका आंसर है 9, 4, 13 और 1, 14। अब करेंगे कैसे? मैट्रिक्स का कोई मतलब नहीं है, बस आपको नंबर ऑफ रोज देखने हैं। हर रोज पे नंबर लिखिए, 1, 2 लिख लिया। यहां पर भी नंबर लिखिए, 1, 2, 3। आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। मैं नंबर लिख रहा हूं यहां पर और हम लोग काउंट कर रहे हैं स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर काउंट करते हैं तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 का स्क्वायर। यहीं से यह ट्रिक आई है, यानी 9 को देखा गया तो 3 का स्क्वायर है, 4 को देखा गया तो 2 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये ट्रिक यहीं से बनी है और ये सिर्फ और सिर्फ कब लागू होगी? जब आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, इक्वल नंबर ऑफ रो होनी चाहिए एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। अगर यह चीज नहीं होगी तो फिर आप इस ट्रिक को नहीं लगा पाएंगे। मैं एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसको ट्राई करते हैं हम लोग फटाक से। उम्मीद है यह चीज समझ में आ गई होगी। मान लें कि यहां पर ये एक फिगर मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा और बड़ा बना दिया है मैंने इसको। अब आपको यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं। फटाफट से देखिए, मैं कमेंट सेक्शन पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं इसके आंसर का वेट नहीं कर रहा हूं। मैं सीधे आपको कॉन्सेप्ट बताता चला जा रहा हूं ताकि जब आप एडवांस पे जाएंगे तो वहां पर आएंगे। कुछ लोग फॉर्मूले भी लिख के भेज रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत सही। यहां से शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने हैं। ये मैट्रिक्स है 4x4 का। शुरू करिएगा, 1 नंबर लिख डालिए, 1, 2, 3, 4। किस पे नंबर लिखना है? रो पर सारे नंबर लिख दीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स बराबर है। तो आप चाहे रो पे नंबर लिखे चाहे कॉलम पे नंबर लिखे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां से फिर इसका स्क्वायर करना शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? 16। 3 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? 9। 2 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? 4 एंड 1 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? 1। आप इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 9, 25, 25 और 4, 29, 29 और 31। यानी कि यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 30। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि 4x4 वाले मैट्रिक्स में कितने स्क्वायर आते हैं? 30। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब, 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 थम्स अप। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सबको पहले से भी आता है ये थोड़ा सा। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए एक हमारा चेस बोर्ड है। क्या है? चेस बोर्ड। सबने खेला होगा शतरंज, वो हाथी घोड़े वाला ही, वही वही बात कर रहा हूं। उसकी मैट्रिक्स बताएंगे कितनी होती है? बिल्कुल, उसकी मैट्रिक्स होती है 8x8। अब मान लीजिए इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपके चेस बोर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो चेस बोर्ड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स जानने के लिए आप देख रहे हैं कि 8x8 की मैट्रिक्स है। तो यहां पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर तक 8 स्क्वायर तक जाने वाला है। तो ये तो काफी बड़ा हो जाएगा और फिर हम सबका स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो टाइम लगने वाला है ना। तो आज से जब कभी भी आपसे स्क्वायर काउंट करने को पूछा जाए तो देखिए स्क्वायर काउंट करने का मतलब होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ये कब तक जा रहा है? अगर आपके पास मैट्रिक्स n क्रॉस n की है, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो 8x8 का लिया है। यानी अगर मैं n की जगह 8 रखूंगा, यहां पर n की जगह 8 रखूंगा तो n की वैल्यू कितनी होने वाली है? 8। और अगर मैं n की वैल्यू 8 रखूंगा तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये कहां तक जाने वाला है? 8 स्क्वायर तक।
और आपको पता है n कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? n कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आप आंसर कर लेंगे। अब ये किसी में भी काम करेगा, आठ में भी, छह में भी, दस में भी। तो यहां पर शुरू करते हैं, एट एन की जगह कितना रखते हैं, एट, एट प्लस वन इज नाइन एंड एट मल्टीप्लाइड बाई टू आठ दूनी सोलह और एक सत्रह डिवाइड बाई सिक्स। तो आप देखेंगे सिक्स इसको डिवाइड करेंगे तो एट मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटी टू आठ नौ बहत्तर, और छह से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे तो इट विल बी गिव्स 204, यानी आपके 8 क्रॉस 8 वाले चेस बोर्ड में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं, 204। डाइस भी पढ़ा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो आप, बिल्कुल इन सब चीजों की टेंशन मत ले। तो ये कितना हो गया, 204। लेकिन अब मान लीजिए अगला सवाल मैं लेता हूं जहां पर रो और कॉलम मेरे पास बराबर नहीं रहते हैं, तब मैं वहां पर स्क्वायर कैसे काउंट करूंगा? तो ये है बेस्ट ट्रिक स्क्वायर काउंट करने की। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स आई ऐसी और उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स मुझे काउंट करने थे, तो अगर मैं इस पे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लेता हूं तो मैं किसी भी सवाल पे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लूंगा। तो यहां पर ये 1, 2, 3, 4 और मैं एक और कॉलम बना देता हूं ताकि ये मैट्रिक्स इक्वल ना रहे, यानी कि इसमें रो और कॉलम क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। देखिए जरा 1, 2, 3, 4 मेरे पास रो कितनी है, 4, कॉलम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरे पास कॉलम हो गया है 6, 4×6 का मैट्रिक्स हो गया ये। फिर से देख लीजिए 1, 2, 3, 4 रो है, रो मतलब ये आपको रखने हैं और फिर कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4×6 हो गया। तो अब इसमें जब आपको नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना होगा तो इसमें तो आप वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते जो मैंने आपको बताया, अब क्या करें, अब क्या करेंगे कि यहां पे मैट्रिक्स रूल लगाएंगे। मैट्रिक्स रूल क्या होता है, आप नंबर यहां से शुरू करिए, 4×6 लिखिए, दिख रहा है सभी को, यहां एग्जैक्टली दिख रहा होगा 4×6 है, फिर इसमें से एक कम करिए, 4 में से एक कम करिए तो कितना हो जाएगा 3, 6 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये भी लिखिए, और ये क्रम तब तक करते चले जाएं, ये काम आप तब तक करते चले जाएं जब तक कि आपका फाइनल 1 पर ना पहुंच जाए। जैसे 3 के बाद अब अगला नंबर आने वाला है 2 इंटू में, अब 3 में से एक कम किया 2 हो गया, 5 में से एक कम किया तो 4 हो जाएगा, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। आपको यही करना है पूरा एक एक सीरियल क्रम में, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इस तरह से करना है, और 6 के बाद ये 5, और आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के नंबर लिखने हैं, फिर इसको लिखते चले जाना। यहां पे वैल्यू देखिए तो कितना आएगा 24, यहां पे कितना आएगा 15, यहां पर कितना आएगा 8, यहां पर कितना आएगा 3। तो जरा इसे जोड़ते हैं तो देखिए कितना आने वाला है, 5, 3, 15, 4, 2, 8, आपने पूरा बकायदा इसको सीक्वेंस में लिखा हुआ है, अब इसको जोड़िए तो 8, 3, 11, 11 और 5, 16, 16 और 10, 26, 26 और 24 कितना आएगा, इस सबको जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 50, यानी यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 50। जी बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया, और सही आंसर करने के बाद अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 50। एक छोटा सा सवाल और लेते हैं ताकि जल्दी से आप इसे फटाफट कर पाए, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करने हैं, फिर से एक देखते हैं जल्दी फटाफट से। यहां पर इस नियम को फिर से लगाते हैं, यानी इस रूल को हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं और एक छोटा सा सवाल लिखते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, रो पे नंबर ज्यादा रखते हैं, कॉलम पे नंबर कम कर देते हैं। सब में लगेगा, बिल्कुल बेस्ट ट्रिक है ये स्क्वायर काउंट करने की। और इससे अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मेरे पास 5 नंबर ऑफ रोज है, कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो 5×4 की मैट्रिक्स हो गई। एक एक कम करते हैं, 5 में कम करेंगे 4, 4 में कम करेंगे 3, सॉरी मल्टीप्लीकेशन प्लस, फिर ये प्लस करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो 5×4, 4×3, एक और कम करिए, 4 में से कम करेंगे 3, 3 में से कम करेंगे 2, और एक और कम करेंगे 3 में 2 और 2 इंटू में 1। तो इस तरह से मेरे पास ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आपको ये काम तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए, अब इसके बाद तो 0 ही आने वाला था। शुरू करते हैं, 5×6 20, 20, 4×3 12, प्लस 3×2 6, प्लस 2 जोड़ा, इसको जोड़िए तो 20 ये है, 12×6 एंड 20 ये हो गए, तो ये ओवरऑल आपको आंसर दे देगा 40। तो इस पूरी मैट्रिक्स में कितने आंसर हैं, इसके स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें स्क्वायर्स हैं 40, तो इसका आंसर होगा 40। बिल्कुल आसान से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है, आपको स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करना है। इसके बाद ये नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर लिए, अब देखिए इसमें रो बराबर हो ना बराबर हो ये मैथड सब में लगेगा, मतलब अगर आपकी 4×4 मैट्रिक्स होगी ना तो ये इसमें भी काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें लिखना 3×3, फिर एक एक कम कर दीजिए 2×2, फिर एक एक कम कर दीजिए 1×1, और फिर क्या कर लीजिए सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए बनाना ये 4 का स्क्वायर, बनाना ये 3 का स्क्वायर, बनाना ये 4, बनाना सॉरी ये 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, जब आप इसे ऐड करेंगे तो आप इसको फाइनल आंसर फिर से वही पाएंगे 30। यहां पर कितना आ जाएगा 30, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16,
यहां पर कितना आ गया 9, यहां पर कितना आ गया 4, यहां पर कितना आ गया 1, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये विल बी, इट विल बी 30। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका काउंटिंग ऑफ स्क्वायर बेसिक। मैं एडवांस लेवल पे अभी गया ही नहीं हूं, अभी जब एडवांस लेवल पे जाऊंगा तो इनका मैं ओवरऑल यूज करूंगा। मतलब आपको सीधे सीधे ये काउंट करके मुझे बताना होगा कि 5x6 में कितना आने वाला है, 5x4 वाले में कितना आने वाला है, आपको सीधे डायरेक्ट बताना पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आज का टाइम है आपके पास। कल हम लोग एडवांस क्वेश्चन जरूर करेंगे और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे। अब मैं काउंट करने जा रहा हूं रेक्टेंगल, फिर मैं कुछ एक ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का मिक्स काउंट करेंगे। फिलहाल जब आपसे रेक्टेंगल काउंट करने को कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल में आप स्क्वायर भी काउंट कर लेते हैं और रेक्टेंगल तो काउंट करते ही है, ठीक है सर। इसके बाद स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, बिल्कुल कोशिश करूंगा। माई कारोल लग रहे हो, क्या 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 लिखते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है सर। रिपीट, विच रिपीट, अब देखिए ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको बार बार मुझे रिपीट करवाओगे तो रिपीट करने का मतलब ये होगा कि आप इसको बाद में पहले भी देख सकते हो ना, रिकॉर्डेड है, आप इसको दोबारा देख लो। और फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आप देखोगे मैं कमेंट सेक्शन में एक एक कमेंट पर रिप्लाई कर रहा हूं, मैं बिल्कुल करूंगा। आप कमेंट भेजिए और वहां पर अगर कोई डाउट होता है तो मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूंगा। जैसे कल वाला एक डाउट था उसको मैंने क्लियर किया है कमेंट सेक्शन पे। तो रेक्टेंगल जब काउंट करना होगा तो मैं बहुत ही बेसिक सा आपको बता रहा हूं कि रेक्टेंगल कैसे काउंट किया जाता है और कैसे इसकी ट्रिक डेवलप हुई है। ट्रिक तो बहुत लोग बता देते हैं लेकिन ये ट्रिक आई कहां से, क्यों ऐसा करते हैं, तो वो बताने जा रहा हूं। यहां पर देखिए एक छोटा सा फिगर मैंने आपको बनाया, यहां पर आपको काउंट करने हैं आयत, यानी कि रेक्टेंगल। जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आयत है और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए रेक्टेंगल है। तो जाकी रही भावना जैसी वैसी देखी मूरत प्रभु की, तो वही वाली बात है यहां पर, आप आयत बोलिए या रेक्टेंगल बोलिए, यहां पर काउंट करने जाने हैं हम लोग आयत। तो देखिए आयत का मतलब ये होता है सर, क्वेश्चन दिखाए तो वो क्वेश्चन कब कराए हो, कल करा रहा हूं, बिल्कुल करा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियो में है। मैं चाहता हूं कि आप पहले से घर से उसको सॉल्व करके रखो और फिर उसको चेक करो, जब मैं वो आंसर कराऊंगा तो वो आप सही निकालते हो कि नहीं। एक्चुअल में क्या है, वो कॉम्प्लेक्स फिगर है, वो मैं आपको तुरंत तुरंत दूंगा तो फिर आप तुरंत तुरंत जब उसे सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर वेरी करे और थोड़ा सा आप देखो डिप्रेशन टाइप का फील हो कि यार ये निकल नहीं रहे, तो आप पहले से उसको आराम से करके रखो। मैंने उसका स्क्रीनशॉट आपको दे दिया, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। हाँ यहां पर कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। 72,000 व्हाट दिस आई थिंक सर, पीडीएफ किस साल आएगी, ओ माय गॉड, गुस्सा मत होइए, प्लीज गुस्सा मत होइए, पीडीएफ आ जाएगी भाई मेरे, पीडीएफ कल मिल जाएगी आपको। फिलहाल यहां पे रेक्टेंगल काउंट कर लें, ठीक। तो देखिए रेक्टेंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले तो जो दिख रहा है उसको काउंट करते हैं, मैं ट्रिक बताऊंगा लेकिन पहले बेसिक समझ जाए। 1, 2, 3, 4, ये चार आपको दिखे छोटे छोटे वाले, ये वाला, ये छोटे 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 चार रेक्टेंगल तो है ना अपने पास। अब इसका कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं, मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं। ये एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब यह हुआ कि अगर आप दो ब्लॉक मिला दें तो एक रेक्टेंगल ये भी तो है, नहीं है, और फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल ये भी तो है, नहीं है, और एक रेक्टेंगल ये भी है। तो यहां पर तीन मेरे पास ऐसे आए जो छोटे छोटे हैं, फिर से समझ लीजिए, एक रेक्टेंगल ये मैंने लिया, दो दो के कॉम्बाइन में ले रहा हूं मैं, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये, तो उम्मीद है कितने आ गए, तीन। ये समझ में आ गया आपको, तीन समझ में आया। फिर उसके बाद अब मैं तीन तीन का कॉम्बिनेशन में लूंगा बड़ा, यानी कि ये दिख रहा है आपको, ये कॉम्बिनेशन में लिया मैंने एक, ये कलर चेंज कर देता हूं मैं, थोड़ा सा दिखेगा आपको, एक मैंने रेक्टेंगल ये लिया है और एक उसके बाद ये है, यानी मेरे पास तीन तीन के कॉम्बिनेशन में कितने रेक्टेंगल हैं, दो, और एक है हमारे पास बड़ा वाला, तो कितने हो गए, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। यही एक तरीका है रेक्टेंगल काउंट करने का। अब आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपको रेक्टेंगल काउंट करना हो आप क्या करेंगे, रो पर नंबर लिखेंगे, पहले कॉलम पे फिर रो पे, दोनों पे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 1, ये नंबर मैं 1 लिख रहा हूं अपनी तरफ से, पहला कॉलम है, पहला नंबर, 2, 3, 4, ये विजिबल है आपके लिए, बिल्कुल विजिबल है, 1, 2, 3, 4 आपने लिखा। फिर उसके बाद आप रो पर भी नंबर लिखेंगे, रो पर नंबर कितना लिखेंगे, 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 कितना हुआ, 10। इसको जोड़ना है बेटा, इसको जोड़ना है भाई, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, 10 ये हुआ, एक वहां लिखा हुआ है, तो 10 और जो ये कॉलम के नंबर आए हैं उसमें आप रो वाले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, रो वाला नंबर कितना आया, 1, तो 10 × 1 कितना हो जाएगा, 10। यानी यहां पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, 10। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल आ गया होगा समझ में। अगला देखते हैं, एक और फिगर मैं देने जा रहा हूं, उसको देखते हैं। आप कमेंट करते रहिए, मुझे मौका मिलेगा मैं पढ़ता रहूंगा उसे, लेकिन फिलहाल इस फिगर के बारे में देखते हैं। अगर विजिबल ना हो तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे मुझे, क्योंकि मुझे यहां से ऐसा नजर आ रहा है कि बिल्कुल विजिबल है आपके लिए। यहां पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करिए, ये सब लाइन सीधी है भाई, वो हाथ का डिफेक्ट है,
ये थोड़ा बहुत टेढ़ा पेढ़ा बन जाता है। तो यहां पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करें, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से काउंट करें। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको जो ट्रिक बताई वही काम करना है, आपको नंबर लिखना है। नंबर लिखने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले एक नंबर लिखे एक, फिर लिखिए दो, फिर लिखिए तीन और फिर लिखिए चार, यानी 1 2 3 4, क्योंकि 4 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 एंड 2। हमने रो पर भी नंबर लिखे हैं 1 एंड 2, और हमने कॉलम पर भी नंबर लिखे हैं, हम सबको जोड़ेंगे। 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया 10, ऊपर से कितना आ रहा है 10, यानी कॉलम वाले नंबर कितने आ रहे हैं 10, और जबकि 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है 3, तो 10 × 3 = कितना आ जाएगा 30, यानी इट विल गिव यू 30 रेक्टेंगल्स, यानी यहां पर जो आपके पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है वो कितने हैं 30। तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, तुरंत आपको समझ में आ जाएगी यहां पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं मेरे पास 30। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक से समझते हैं कैसे, देखिए जो मैंने आपको फिगर आपको दिया था ना ऐसा वाला, तो इसमें कितने होते हैं 10 होते हैं, अभी अभी गिनवाया आपको। अब अगर मान लीजिए मैं ऊपर वाला छुपा दूं, नीचे वाला ही मेंटेन रखूं, तो उसमें 10 होंगे, ऊपर वाले में रखूं तो ऊपर वाले में भी 10 होंगे, तो 10 10 20 तो है ही, लेकिन जब इनके कॉम्बिनेशन में ये लाइन देखेंगे ना, जब ये आप हटा देंगे इस लाइन को हटा देंगे, तो ये कॉम्बिनेशन वाले रेक्टेंगल भी तो बनेंगे, तो वो कितने होंगे, वो फिगर भी बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। तो 10 10 20 2 10 30, ये हो गया बेसिक, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। 30 हो गए हैं यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल। मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसके बारे में, तो उसमें सब कुछ हम लोग रिपीट करेंगे, मतलब जो स्क्वायर पढ़ाया वो भी रिपीट कर लेंगे, जो रेक्टेंगल पढ़ाया वो भी रिपीट कर लेंगे, और कुछ नया जरूर देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक फिगर है कुछ इस तरह का, ठीक, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक, यहां पर एक फिगर था और ये पेपर में आया, आपके आया है पेपर में, बिल्कुल आया है, 5 × 4 की मैट्रिक्स है, 4 × 5 की मैट्रिक्स है, ये आया है पेपर में। इसमें पहला क्वेश्चन जो बना रहा हूं मैं वो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि इस चित्र में वर्गों की गिनती करें। आपको सभी आंसर करने होंगे, अभी अभी तुरंत तुरंत करने होंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी कि इसी चित्र में आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने होंगे। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीन नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। इतनी देर में कोई कह दिया होगा, हिंदी में पढ़ाइए, पक्का कह दिया हो, देखिए मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं। तो देखिए आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि इस चित्र में आपको वर्गों की गिनती करनी है, फिर आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यानी कि इस फिगर में आपको आयतों की गिनती करनी है, और फिर उसके बाद आपको इस फिगर में फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर, यानी उन आयतों की संख्या बतानी है जो स्क्वायर नहीं है। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है और उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कई सारे आंसर आए हैं मेरे पास, बहुत सही, अच्छी बात है। तो ट्रिक आपको आ चुकी है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, पहले मैं निकालता हूं फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर में निकालने जाऊंगा, मेरे पास मैट्रिक्स कितनी है 1 2 3 4 है, और 1 2 3 4 5, यानी कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है 4 × 5 की है, 4 × 5 विल बी 20। मैं एक एक कम करूंगा, तो यहां 4 में से कम किया तो 1 हो गया 3, और यहां पर मैं कम करूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 12, और एक कम किया तो 2, यहां पर कितना हो गया 3, यानी 3 × 6, और 1 × 2 यानी कि आ गया 2, तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये 20 + 12 + 6 + 2 इसको ऐड करेंगे तो इससे आपको मिलेंगे 40, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 40। तो पहले वाले के सवाल का आंसर है, यानी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 40। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी, ओके लिखिए अगर आपको समझ में आ गया है। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का आसान सा तरीका, बस नंबर लिखिए रो और कॉलम पर, लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब आपको 5 तो जोड़ना आता ही होगा, इसको जोड़िए, 5 और 9 = 12 और 2 = 14 और 1 = 15, यानी ऊपर आने वाला है 50, किससे आने वाला है 50, ऊपर आने वाला है 50, नहीं वहां पे लिखने नहीं दे रहा है मुझे ये, तो ये आ रहा है 15, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। उसके बाद रो पर नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, आपको रो वाले नंबर भी ऐड करने पड़ेंगे, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 × 10, तो इस तरह से मेरे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने निकले हैं 150। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए कराया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो इस ट्रिक से आप निकालते हैं वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी होते हैं, वो नंबर ऑफ स्क्वायर भी होते हैं, मतलब जो कुछ भी चतुर्भुज के नाम पे है वो सब कुछ है।
तो कभी कभी वो आयत नहीं पूछता, कभी कभी वो रेक्टेंगल नहीं पूछता, कभी कभी वो स्क्वायर नहीं पूछता, वो पूछ देते हैं क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुजों की संख्या बताइए। तो चतुर्भुज की संख्या निकालने का तरीका भी यही है, क्वाड्रिलेटरल निकालने का तरीका भी यही है। अब बताइए 150 में जो है उसमें स्क्वायर भी है, उसमें रेक्टेंगल भी है, क्या है? स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है। अपने को क्या चाहिए? अपने को केवल रेक्टेंगल चाहिए। अपन लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल चाहिए, यानी हमको स्क्वायर हटाने पड़ेंगे। हमारे पास 150 में एक स्क्वायर कितने है? 40, यानी हमारा फाइनल आंसर बनेगा 150 माइनस में 40, इट विल बी 110, यानी कि ये वो रेक्टेंगल है, ये वो आयत है जो स्क्वायर नहीं है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई डाउट है रहता है इस पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन फिर उठाने जा रहा हूं। यहां पर अगर कोई डाउट है तो फिलहाल देख लीजिए, 150 नंबर ऑफ रेक्टेंगल थे, 40 स्क्वायर थे, 150 नंबर ऑफ रेक्टेंगल में स्क्वायर भी थे और रेक्टेंगल भी थे, तो उसमें 150 में से 40 मैंने स्क्वायर हटा दिया, जो प्योरली स्क्वायर थे उनको मैंने हटा दिया, और उनको मैंने हटा दिया, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं है वो कितने हैं? 110। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने, औरंगाबाद महाराष्ट्र से भी लोग हैं, भाई लोग बहुत सही सर, नो डाउट, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जरा इसको ट्राई करिए, और ये क्वेश्चन कतई आसान नहीं होने वाला है, ये थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, लेकिन अगर आ गया होगा, मेथड आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, तो आपको थोड़ी सी झलक मिल जाएगी कि आगे मैं करने क्या वाला हूं। ये तो बेसिक सब पढ़ा देते हैं, मैं कुछ अलग ही पढ़ाने वाला हूं, अलग ही लेवल पे लेके जाने वाला हूं, लेकिन मैं अपने उन दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकता जो जो कहीं से नहीं पढ़ के आए हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे पास हैं, जो आप लोग में से कई लोग होते हैं जो उनको कहीं से सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनके लिए मैं यहां पे बेसिक से शुरू करना चाहता हूं, ताकि वो ये ना कहें कि पता नहीं क्या हाईफाई पढ़ा रहा है, अपने को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, टीचिंग एक ऐसा जॉब है जो अच्छा भी है और बुरा भी है। आपके जितना अच्छा पढ़ाइए, लड़का कहेगा कि बढ़िया पढ़ा रहा है, कहेगा वो बढ़िया पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं नहीं कहता, खराब पढ़ाइए तो कहेगा बहुत घटिया पढ़ा रहा है, मतलब कुल मिला के बेइज्जती तो हमारी होती है। फिलहाल इन सब बातों का फिर कभी वक्त निकालेंगे, बातें भी करेंगे आपके साथ, मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल इसको मैं बना देता हूं पूरा, ताकि आप इसको काउंट करना शुरू कर दें। ये है एक फिगर जिसमें मैं आपको आपको बताना है कि यहां पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। छोटा सा फिगर है, ट्राई करिए, अरे रुकिए एक सेकेंड, यहां पे आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। मुजफ्फरपुर बिहार, कानपुर, नीरेन श्रीवास्तव, यूपी, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा काफी दूर दूर से लोग हैं मुझसे जुड़े हुए, मैं कभी नहीं पहुंच पाता, कैमूर, बिहार, धांसू, गया, ओके, लेकिन आज कमेंट बहुत ढीले ढीले आ रहे हैं, मतलब उतना तेज नहीं आ रहे हैं, व्यू कम है क्या आज? कोई लिख के भेजेगा कितना व्यू आ रहा है, यहां से दिखाई नहीं देता। सर प्लीज स्टार्ट बेसिक टू, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मैं ये चाहता हूं कि आप इसको पढ़ो तो कम से कम मेरा नाम लो, कम से कम ये कहो कि हाँ भैया ने बढ़िया पढ़ाया था, भाई हूं मैं आपका, उसमें कोई इशू नहीं है। फिलहाल इसको ट्राई करें, चलिए ठीक है, मैं शुरू कर देता हूं। कैसे सर, लोग पागल हैं, ओह माय गॉड, प्लीज, नहीं कोई पागल नहीं है, मेरे लिए सब सही है, देखिए अपना अपना नजरिया होता है लोगों का। फिलहाल यहां पर शुरू कर दें, इसको काउंट करना शुरू कर दें, कोई लिख के मुझे भेज दे कितने व्यू चल रहे हैं इस टाइम, 992, ओह माय गॉड, बहुत कम है, मजा नहीं आया यार, प्लीज इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, ये सही नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं भूखा हूं, नहीं बिल्कुल, मुझे चाहता हो कि जब मैं लाइव आऊं तो लगा तो हाँ कुछ पढ़ा, मेहनत कर रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए फिलहाल इससे शुरू करते हैं, यहां से हम रेक्टेंगल काउंट करने जा रहे हैं, एक काम करते हैं, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर दो फिगर का कॉम्बिनेशन है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, समझाता हूं कि ये कैसे करना है आपको। ये एक अलग फिगर है, ये है एडवांस फिगर, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये एक अलग फिगर हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, क्योंकि इतनी काउंटिंग अपन को आती है भाई साहब, ये तो हमको टेढ़ा मेढ़ा बताया नहीं गया है, तो हमको आती नहीं है, तो हमको सिर्फ इतनी आती है, अपन लोग इतना पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम करने क्या वाले हैं ये समझ लो, हम ये करने वाले हैं कि ये अलग सॉल्व करेंगे ऊपर वाला, और ये जो वर्टिकल वाला है ये अलग सॉल्व करेंगे, ऊर्ध्वाधर वाला है वो अलग सॉल्व करेंगे, जो क्षैतिज अवस्था में पड़ा हुआ है, हिंदी बहुत कर रही है मेरी, तो यहां पे जो क्षैतिज अवस्था है उसमें जो भी आपको करना है वो अलग काउंट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग काउंट करते हैं, जरा इसमें काउंट करने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, रेक्टेंगल काउंट करने ना, नंबर लिखेंगे रो में और फिर कॉलम में, कॉलम में नंबर लिखिए 1, 2, 3, बस इतना ही काउंट करना था, इसीलिए यहीं तक नंबर लिख रहा हूं मैं, पूरा नहीं काउंट करना था, मैं बस इसको काउंट कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है आपका, इस वाले पार्ट को जरा बताएंगे कितना आएगा, ये थोड़ा सा जोड़ के बताइए, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 20 और 1, 21, यानी ऊपर वाले से आ रहा है 21, नीचे वाले से 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 21 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इस वाले फिगर में कितने रेक्टेंगल हो गए हैं, 176। इतना समझ में आ गया है, 176 समझ में आ गया। हाँ, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर करते करते चूक गए हैं, थोड़ा सा चूक गए हैं, प्लीज इसको और शेयर करो भाई, खत्म होते होते ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा के जाऊं,
अच्छे से एकदम मजेदार 1K हो गया है, थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए था। ये तो रोज का रोज कम हो रहा है, जिस दिन मैं पहले दिन आया था उस दिन 1.8 था, आज 1.2 है, कल 1.2 था, आज 1K है, कल तो हमें लग रहा 700-800 ही रहेगा, मतलब मजा नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाना अपना काम है। आप देखिए फिलहाल शुरू करते हैं, तो ये 176 आपको समझ में आ गया, वैसे ही यहां पे करिए, नंबर लिखिए 1, 2, 3, ये कॉलम पे नंबर हो गए, और इसी को कंटिन्यू करते हुए आप रो के नंबर लिख लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप पाएंगे जब आप इसे जोड़ेंगे तो रो का नंबर आ रहा है 21, और जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, यानी कि 6 आ गया। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर मैं इस वाली लाइन को लूं तो यहां पे 176 है, अगर मैं इस वाली लाइन को लूं तो यहां पे 176, लेकिन बीच में कुछ कॉमन भी तो है, नहीं है? और उसको आपने कितने बार गिन लिया है, उसको आपने 2 बार गिन लिया है, आपने इधर से भी गिना है और आपने इधर से भी गिना है, तो हटाना पड़ेगा ना। कैसे हटाए, गिन लो भाई साहब, इतना गिन लो, इतना तो हमें आता ही है ना, इतना गिन लो, इतना इतना हमने कितने बार गिन लिया है, 2 बार गिन लिया है, 1 बार कम कर देते हैं इतना पार्ट, इतने पार्ट में कैसे निकालेंगे, रो पे नंबर लिख, कॉलम पे नंबर लिखिए 1, 2, 3, फिर रो नंबर लिखिए 1, 2, 3, तो ये कितना आ गया, 3, 2, 5 और 1, 6, ये कितना आ गया, 3, 2, 5, 6, यानी कि इस पूरे फिगर में इतने वाले पार्ट में कितने रेक्टेंगल है, 36 रेक्टेंगल। अब होता क्या है, 176 मेरे पास ऐसे थे, 176 मेरे पास वर्टिकली थे, तो कुल मिला के मेरे पास कितने होंगे, 6, 6, 12 और 7, 2, 14, 252 हो गए थे मेरे पास, लेकिन 252 की अगर मैं बात करूं उसमें से 36 ऐसे हैं जो मैंने 2 बार गिन लिए हैं, इधर भी गिन लिया है और उधर भी गिन लिया, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। तो इन 252 में से मुझे 36 माइनस करना पड़ेगा, और अगर मैं 252 में से 36 माइनस करूंगा तो 52 में से 36 घटाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहली बात तो 12 में से 6 गया तो कितना आ गया 6, और इससे कैरी लिया 4 में से 3 गया 1, तो आंसर आ जाएगा 216, यानी कि फाइनली मेरे पास जो आंसर है वो है 216। अगर किसी को गड़बड़ लग रहा है तो प्लीज बताइए, और अगर फिर भी सही, बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर निकाला है, 126 है ऊपर वाले में, क्यों भाई कैसे 126 दिख रहे हैं आपको, सही करें कॉन्सेप्ट, सही करें, 6 × 6 = 6 × 2 = 12, ओके थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 6 × 6 = 12, तो ये हो गया 126, और ये भी 126, और ये भी 126, तो ये कितना हो जाएगा 12 × 24, आंसर वही आ रहा है 252 − 36, थोड़ा सा याद था मुझे गर्मी की वजह से ये हो गया, तो 176 नहीं बिल्कुल वहां 126 रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, गर्मी ज्यादा है इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए बस, बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये रहा आपका रेक्टेंगल, हाँ जी बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है, पूरा गलत, क्या गलत हो गया भाई, हाँ 126 कर दिया है भाई, 126 कर दिया है, 126 कर दिया है, यहां पर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मुझसे, 126 एंड 126 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 252, आंसर सही आ रहा है, 216 आ रहा है बिल्कुल। तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, कैलकुलेशन कुछ और हो जाती है, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और राइट सर, हेलो सर, एंड तो ये क्लास आपकी फिर से कल आएगी, और आप यहाँ पर इसी टाइम पे मौजूद रहिएगा, और रीजनिंग की क्लास आपको रोज शाम को 7 बजे मिल रही है, तो अगर कोई डाउट रहता है तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, रिपीट करा दो यार सर जी, बिल्कुल चलो रिपीट करा देते हैं भाई साहब, बिल्कुल रिपीट करा देते हैं, कोई बात नहीं रिपीट करा देते हैं, ये ऐसा फिगर था, इसमें हमको रेक्टेंगल काउंट करना था, दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया वहां पर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आप कॉलम पे नंबर लिख लीजिए, और कॉलम पे नंबर लिखने के बाद फिर रो पर नंबर लिखिए 1, 2, 3, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इतना काउंट करेंगे, और अगर हम इतना काउंट करेंगे तो ये कितना होने वाला है, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18 और 3, 21, ये ऊपर से 21 आने वाला है, और इसको काउंट करें तो 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 21 × 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 126, यहां पे 126 आने वाले हैं, इधर भी आप ऐसे ही यहां पर भी फिगर काउंट कर लीजिए, इसको काउंट करें तो ये आएगा 1, 2, 3, यहां पर कितना आएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, आप कॉलम पर नंबर लिखिए, अब हम इसको काउंट कर रहे हैं ना, तो इसके भी रो पर नंबर लिखने पड़ेंगे और कॉलम पर नंबर लिखने पड़ेंगे, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 21, और 21 मल्टीप्लाइड बाई आप 3, 2, 5 और 1, 6 करेंगे तो 21 × 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 126, ये आ गए 126 इधर और 126 इधर, यानी कि ओवरऑल मेरे पास कितने आ चुके हैं 126 + 126, आंसर विल बी 252, ये 252 हो जाएगा बिल्कुल।
फिर उसके बाद अगर हम लोग यहां से शुरू करें तो देखेंगे आपने ये जो पार्ट इसको ऐसे काउंट किया है ना और फिर इसको काउंट किया है, तो ये पार्ट आपने कितने बार काउंट कर लिया है, इतना वाला पार्ट ये आपने दो बार काउंट कर लिया, तो इसको एक बार घटाना पड़ेगा। और इसको एक बार घटाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें काउंट लिखे 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, फिर यहां पर लिखे 1 2 3, तो ये 3 2 5 और 1 6 यहां पर भी है 1 2 3, यानी 3 2 5 और 1 6, तो इस पूरे पार्ट में कितना आंसर आएगा आपका 6 × 6, यानी आंसर आएगा 36। और क्योंकि आपने इसको दो बार काउंट किया है, हमें सिर्फ एक ही बार काउंट करना था, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 252 माइनस में 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 252 माइनस में 36, आंसर विल बी 216, फाइनल आंसर 216 रहेगा। तो कुछ लोग यहां पर होशियार हैं, कुछ लिख रहे हैं यहां पर, लेकिन वो मैं बोलना नहीं चाहता, तो ठीक है। चलिए बाकी की क्लास हम लोग कल नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं और कल हम रहेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।